हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक इंग्लिश एकेडमी। आज के लेसन में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मॉडल वर्ब्स के ऊपर 30 प्रैक्टिस सेट्स। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपके मॉडल वर्ब्स में जो भी डाउट्स है क्लियर होंगे। और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस रखा हूं। अगर आप लोग ये पूरे 30 प्रैक्टिस सेट्स को देख लेते हैं तो मुझे आशा है आप लोग उस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द टाइम आई ब्लैंक राइड अ बाइक कैन कुड में और माइट में, तो इस क्वेश्चन का सही मॉडल रहेंगे कुड, क्योंकि कुड जो है किसी भी पास्ट एबिलिटी में, जो मेरा एक एबिलिटी जो था पास्ट में बिता हुआ समय में, उस एबिलिटी को बताने के लिए यहाँ पर कुड का यूज किया जाता है। 10 साल का था, 10 साल मींस पास्ट की बात हो रहा है यहाँ पे। आई कुड राइड अ बाइक, ठीक है, मैं बाइक चला सकता था, तो इसलिए यहाँ पर इसका सही मॉडल होता है कुड। दूसरा है इफ आई ब्लैंक स्पीक फ्रेंच आई वुड ट्रेवल टू पेरिस, एबिलिटी की ही बात हो रहा है, लेकिन ये एबिलिटी जो है एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी बातें, ठीक है, इमेजिनरी बातें। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं फ्रेंच बोल पाता तो मैं कहाँ ट्रैवल करता, पेरिस ट्रैवल करता। मैंने यहाँ पर रियल लाइफ में ट्रैवल नहीं किया है, इट इज़ जस्ट एन इमेजिनेशन, ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है कि मैं फ्रेंच बोल पाता तो मैं पेरिस जाता। तो कुड जो है हाइपोथेटिकल एबिलिटी को बताने के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुड जो है सही मॉडल पर। नेक्स्ट है यू ब्लैंक गो टू द पार्टी इफ यू फिनिश योर होमवर्क, तो इसका सही आंसर है कैन मे माइट शैल। इन चारों में से कौन सा वाला सही है, सही आंसर है मे। मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन, परमिशन वाला सेंस हमें मिल रहा है। यू मे गो टू पार्टी इफ यू फिनिश योर होमवर्क, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो, तो इसलिए यहाँ पर परमिशन वाला सेंस हमें मिल रहा है, सही आंसर होगा मे। नेक्स्ट है आई ब्लैंक बोरो योर कार इफ आई प्रॉमिस टू फिल अप द गैस टैंक, कैन मे माइट और शैल। इन चारों में से कौन सा वाला सही मॉडल है, सही मॉडल है मे। तो यहाँ पर भी परमिशन का ही सेंस हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ चारों ऑप्शंस में कैन मे माइट और शैल, ये चारों में है मे जो है मे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मे एक परमिशन के सेंस में यूज किया जाएगा। आई मे बोरो योर कार इफ आई प्रॉमिस टू फिल अप द गैस टैंक, हमें आपका कार बोरो कर सकता हूँ यदि इफ मैं गैस को फिलअप करने की प्रॉमिस करता हूँ, तो ये भी एक परमिशन के सेंस में यहाँ पर यूज हुआ है, तो मे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इट डैश रेन टुमारो, अब यहाँ पे कैन मे माइट और सेल, ये चारों में से कौन सा वाला करेक्ट आंसर है, इट कैन ये भी नहीं है, इट मे सेंस दे रहा है लेकिन यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। माइट और शैल भी नहीं है, माइट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि माइट जो है यहाँ पर लेस्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, लेस्ट पॉसिबिलिटी मतलब जो कम पॉसिबिलिटी, कल जो बारिश होने का चांसेस है वो बहुत कम यहाँ पर दिखाई देगा, तो इसलिए माइट यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि माइट जो है पॉसिबिलिटी को दिखलाने के लिए यूज करते हैं और माइट जो है सबसे कम पॉसिबिलिटी को दिखलाता है, तो माइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सी ब्लैंक बी एट होम बट आई एम नॉट श्योर, सो यहाँ पर ऑप्शन है आपका कैन मे माइट शैल, सो ये चारों में से कौन सा वाला राइट आंसर है, कैन नहीं हो सकता, मे भी नहीं हो सकता, ठीक है, माइट और शैल दोनों में शैल भी नहीं हो सकता, माइट करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी लिस्ट पॉसिबिलिटी को दिखलाने की बात हो रहा है, ठीक है। सी माइट बी एट होम, वो घर पर हो सकता है, श्योर नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए यहाँ पर माइट का हम प्रयोग करेंगे, तो करेक्ट आंसर ये आपका माइट रहेंगे। साथ में बट आई एम नॉट श्योर वाला फ्रेज सेंटेंस भी है, तो इसलिए यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, जो मेरी जो एक अनुमान जो लगाने का जो एक पॉसिबिलिटी जो है, जो उसकी घर पे होने का जो संभावना जो है वो बहुत कम मात्रा में है, तो इस वजह से हम यहाँ पर माइट जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यू ब्लैंक वेयरिंग अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, अब यहाँ पे कौन सा वाला सही आंसर है, कैन मे मस्ट शैल मे, सो कैन नहीं हो सकता, मे भी नहीं हो सकता, शैल नहीं हो सकता, मस्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर मस्ट जो है इस सेंटेंस में हमें ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है, ड्यूटी, ठीक है, तुम्हें सीट बेल्ट पहनना ही पहनना है, तो ऐसे एक ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए हम मस्ट मॉडल का यूज करते हैं, सो मस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई ब्लैंक फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ठीक है, यहाँ पर कैन आई कैन भी हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, आई मे आई शैल ये भी नहीं है, मस्ट सही आंसर है, क्योंकि मस्ट जो है यहाँ पर ऑब्लिगेशन, कल तक मुझे इस प्रोजेक्ट को फिनिश करना ही करना है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है ये, तो इसलिए यहाँ पर मस्ट जो है मॉडल वर्क करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यू ब्लैंक ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट इट्स अमेजिंग, तो यहाँ पर कैन मे शुड और माइट में कौन सा वाला ऑप्शन सही रहेंगे, कैन नहीं हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, माइट भी नहीं हो सकता, शुड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि शुड जो है यहाँ पर हम एडवाइस के लिए प्रयोग करते हैं, शुड इज यूज टू गिव एडवाइस, ठीक है, शुड की मदद से हम किसी को एडवाइस देते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें उस नए रेस्टोरेंट में ट्राई करना चाहिए, ठीक है, चाहिए, तो यहाँ पर एक एडवाइस दिया जा रहा है, क्योंकि वो अमेजिंग रेस्टोरेंट है, तो इस वजह से शुड इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक यू ब्लैंक अपोलोजाइज टू योर फ्रेंड फॉर व्हाट यू सेड, यहाँ पर भी मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगना चाहिए, ठीक है, तो चाहिए वाला सेंस है यहाँ पर, एडवाइस वाला ही सेंस हमें मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर होगा शुड।
ठीक है, सूट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, यू ब्लैंक ब्रिंक एन अम्ब्रेला, इट्स गोइंग टू रेन. ऑप्शन ए कैन, मे, मस्ट एंड माइट. कैन नहीं हो सकता, मे भी नहीं हो सकता, माइट भी नहीं हो सकता, मस्ट इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि मस्ट जो है यहाँ पर हमें एक नेसेसिटी को दिखला रहा है कि तुम्हें अम्ब्रेला लेना ही चाहिए ठीक है. यहाँ पर तुम्हें जरूरत है इस चीज़ का, अम्ब्रेला का जरूरत है, ये सेंस हमें मिल रहा है क्योंकि बारिश होने जा रहा है. तो इस वजह से यहाँ पर मस्ट का हमें प्रयोग करना होता है. मस्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, आई ब्लैंक फिनिश दिस प्रोजेक्ट टू नाइट, इट्स ड्यू टुमारो. कैन, मे, मस्ट एंड माइट. इन तीनों में से कौन सा वाला राइट ऑप्शन है? राइट ऑप्शन है मस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर एक अर्जेंसी ठीक है, एक नेसेसिटी वाला सेंस हमें मिल रहा है, मुझे इस प्रोजेक्ट को फिनिश करना ही चाहिए ठीक है. तो ये एक मस्ट वाला सिचुएशन है, तो इस वजह से यहाँ पर मस्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, इट ब्लैंक स्नो टुमारो, द फोरकास्ट सेज सो. ऑप्शन है आपका कैन, मे, माइट और विल. इन तीनों में से कौन सा वाला राइट है? राइट आंसर है माइट. क्यों है? क्योंकि माइट फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी को भी हमें बताता है ठीक है. माइट मॉडल वर्ब हमें फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी को भी डिस्क्राइब करता है. तो इस वजह से यहाँ पर देखो कि इट स्नो टुमारो, ऐसा तो नहीं है कि स्नो जो है होगा ही होगा. पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है, फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है. इस वजह से जो हम यहाँ पर माइट करेंगे, यहाँ पर हमें फ्यूचर वाला पॉसिबिलिटी को दिखलाने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं. माइट इज द करेक्ट आंसर. इट माइट स्नो टुमारो, द फोरकास्ट सेज सो. फोरकास्ट कहता है कल बारिश, कल स्नो जो है पड़ सकता है. पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है, फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है यहाँ पर. तो इस वजह से माइट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, सी ब्लैंक बी लेट, सी इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड स्केड्यूल. ऑप्शन से कैन, मे, माइट और विल. इन चारों में से कौन सा वाला राइट आंसर है? राइट आंसर माइट है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है वो फ्यूचर में दिखाना है हमें. फ्यूचर में जो चीज़ होने वाला एक पॉसिबिलिटी को हमें जब हमें दिखाना होता है तो तब हमें माइट का प्रयोग करना पड़ता है. और ये जो पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है. सी माइट बी लेट, कल जो वो लेट होगी, इस लेट होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है ठीक है. सी इज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल. पॉसिबिलिटी ये है कि वो लेट हो सकती है. तो इस वजह से यहाँ पर माइट करेक्ट आंसर है. बाय नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक स्पीक फ्लुएंट स्पेनिश. ऑप्शन से कैन, कुड, मे, विल बी एबल टू. तो इन तीनों में कौन सा वाला करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है विल बी एबल टू. क्यों? क्योंकि विल बी एबल टू इज डिस्क्राइब फ्यूचर एबिलिटी. फ्यूचर में मेरी एबिलिटी को बताना है तब हमें विल बी एबल टू का प्रयोग करना होता है. तो इस वजह से यहाँ पर विल बी एबल टू करेक्ट आंसर है. अगले साल तक मैं फ्लुएंट स्पेनिश बोल लूंगा ठीक है. आई विल बी एबल, मैं बोल लूंगा. तो इस तरीके से मैं बोल लूंगा, फ्यूचर में मुझ में एक एबिलिटी आएंगे ठीक है. जब उस एबिलिटी को मुझे बताना है तब हमें विल बी एबल टू का प्रयोग करना होता है. नेक्स्ट है, दे ब्लैंक फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ. तो यहाँ पर ऑप्शन है कैन, कुड, मे, विल बी एबल टू. मंथ के एंड तक वे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे ठीक है. कंप्लीट करेंगे वे लोगों के पास जो एक एबिलिटी है वो फ्यूचर में है ठीक है. फ्यूचर में खत्म करने की जो एक एबिलिटी रखेंगे. तो इस वजह से विल बी एबल टू जो है फ्यूचर में होने वाली जो भी एबिलिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं. तो इस वजह से विल बी एबल टू इज द करेक्ट आंसर. दे विल बी एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ ठीक है. वे प्रोजेक्ट को इस मंथ के एंड तक प्रोजेक्ट को फिनिश करने में सक्षम रहेंगे. तो करेक्ट आंसर इज विल बी एबल टू. नेक्स्ट है, यू ब्लैंक एंटर द बिल्डिंग विदाउट अ परमिशन. कैन, मे, माइट, शैल. इनमें से करेक्ट आंसर है मे. मे जो है फॉर्मल सिचुएशन में हमें परमिशन लेने के लिए या देने के लिए मे का प्रयोग करना होता है. तो इस वजह से यहाँ पर मे जो है करेक्ट आंसर है. यू मे एंटर द बिल्डिंग विदाउट अ पास. तुम्हारे पास एक परमिशन है कि तुम इस बिल्डिंग को क्या कर सकते हो, विदाउट पास आप एंटर कर सकते हो. यू हैव परमिशन ठीक है. तो यहाँ पर हमें परमिशन वाला सेंस का बोध हो रहा है. तो इस वजह से मे मॉडल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है, आई ब्लैंक यूज द कंपनी कार फॉर पर्सनल अरेंज. अपने कामों के लिए ठीक है, व्यक्तिगत कामों के लिए. अरेंज का मतलब सबसे आपका कैन, मे, माइट, शैल. इन चारों में से कौन सा वाला राइट है? राइट आंसर इज मे ठीक है. यहाँ पर हमें फॉर्मल परमिशन देने या बताने के लिए हमें मे का प्रयोग करना होता है. तो मे इज करेक्ट आंसर कि मैं कंपनी के कार मेरे अपने व्यक्तिगत काम के लिए यूज कर सकता हूँ ठीक है. तो यहाँ पर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में है ये सेंटेंस. तो इस वजह से मे इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, यू ब्लैंक अटेंड द मीटिंग, इट्स मैंडेटरी ठीक है. यू ब्लैंक अटेंड द मीटिंग, इट्स मैंडेटरी. तो ऑप्शन है आपका कैन, मे, मस्ट, शैल. इनमें से आपका कौन सा वाला राइट आंसर है? राइट आंसर है मस्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है. अभी हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाना होता है तो हमें मस्ट का प्रयोग करना होता है. जैसे यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, इट्स मैंडेटरी ठीक है. इट्स मैंडेटरी मतलब ये अनिवार्य है. तो ये अनिवार्य जो हमें सेंस मिल रहा है, यह हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का बोध करा रहा है. तो इस वजह से मस्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, आई ब्लैंक फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द डेडलाइन, इट्स क्रूशियल. संशय आपका कैन, मे, मस्ट और शैल. इनमें से राइट आंसर है मस्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन का बोध हो रहा है. क्योंकि इट्स क्रूशियल ठीक है, क्योंकि ये डेडलाइन है इसका. तो डेडलाइन के बारे में बात हो रहा है. तो इस वजह से यहाँ पर मस्ट मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एक स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के बारे में हमें बताना होता है तब हमें मस्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग करना होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट ब्लैंक बी रेनिंग आउटसाइड, आई कैन हियर द साउंड. सन आपका कैन, मे, माइट, कुड. इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? द राइट आंसर इज माइट ठीक है. माइट क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के बारे में हमें जानने को मिल रहा है ठीक है. सो इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड,
आई कैन हियर द साउंड, जो भी कार्य हो रहा है ठीक है बाहर पे, मुझे बस आवाज़ सुनाई दे रहा है ठीक है, आवाज़ जो बारिश हो रहा है उसकी बस आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि बारिश जो है बाहर हो रहा है ठीक है ना, बट आई एम नॉट श्योर ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने माइट का प्रयोग कर रहे हैं ठीक है। क्यों माइट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो बाहर रेनिंग होने का, बाहर बारिश होने का जो पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है, क्योंकि बस मुझे साउंड ही सुनाई दे रहा है यहाँ पे ठीक है। साउंड मैंने कुछ नहीं देखा, अगर देखा होता तो इट इज़ रेनिंग इस तरीके से बोलते, बस मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं। तो इस वजह से इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड ठीक है, बाहर बारिश हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने आवाज़ सुना है, आवाज़ सुनकर ही मुझे बारिश के बारे में बताना है, श्योर नहीं हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर माइट मॉडल वर्ब का यूज़ करना होता है। तो माइट इज़ द करेक्ट आंसर। सी ब्लैंक बी एट होम और कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड। देखिए अब यहाँ पर आपका आंसर है कैन, मे, माइट और कुड। करेक्ट आंसर है माइट। देखो जब भी हमें प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बताना होता है, और वो भी बहुत लिस्ट पॉसिबिलिटी, बहुत कम वाले पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर हमें माइट मॉडल का यूज़ करना होता है। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाना है और बहुत कम पॉसिबिलिटी को दिखाना है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो सी माइट बी एट होम, वो घर पर हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसकी कार जो है बाहर आउटसाइड पार्क किया गया है। अब मैंने उसे घर में देखा नहीं है ठीक है, इट इज़ जस्ट माई एजम्पशन, मेरा एक अंदाज़ा है कि वो घर पर हो सकता है, मैं कार को देखकर अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो वो घर पर हो सकता है, हो सकता है इन द सेंस कि वो उसकी घर पर होने का चांस जो है बहुत कम है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं माइट मॉडल वर्ब का प्रयोग करना होता है। सो माइट इज द करेक्ट आंसर, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई ब्लैंक प्ले द गिटार बट आई एम अ बिट रस्टी। तो ऑप्शन है आपका कैन, कुड, मे, माइट। इन तीनों में से कौन सा वाला करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है कैन ठीक है। क्यों, क्योंकि कैन जो है हमें हमारी प्रेजेंट में जो भी एबिलिटी जो मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ को बताने के लिए हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं ठीक है। मैं गिटार बजा सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा बिट रस्टी, रस्टी मीन्स थोड़ा सा जंगली टाइप का ठीक है, जो इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होता है ठीक है। ऐसे इस वजह से यहाँ पर मेरी एबिलिटी को बताना है, प्रेजेंट में जो भी मेरी एक एबिलिटी है ठीक है, गिटार बजाने का मेरा एक योग्यता जो है इसको बताना है। तो ऐसे बताने के लिए हम कैन जो है यहाँ पर परफेक्ट आंसर है ठीक है। कुड जो है कुड भी बता सकता है लेकिन वो पास्ट में, मे जो है मे भी बता सकता, मे भी बता सकता है, लेकिन यहाँ पर कैन सही आंसर है। नेक्स्ट है सी ब्लैंक स्पीक थ्री लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। सन है आपका कैन, कुड, मे, माइट ठीक है। इन तीनों में से राइट आंसर है आपका कैन, कैन, क्योंकि कैन यहाँ पर प्रेजेंट में ठीक है, प्रेजेंट में अभी मैं तीन लैंग्वेज बोल सकता हूँ, मेरी तीन लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी को बताना है ठीक है, योग्यता को बताना है, तो हमें कैन मॉडल का यूज़ करना होता है। सो कैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यू ब्लैंक बोरो माई कार जस्ट फिल अप द गैस टैंक। ऑप्शन है आपका कैन, मे, माइट, शैल। आपका करेक्ट आंसर होगा कैन। क्यों कैन, क्योंकि यहाँ पर परमिशन दिखलाना हो, पॉसिबिलिटी दिखलाना हो, ऐसे सेंस में हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन इज द राइट आंसर। कैन जो है एक इनफॉर्मल सेंस में यूज किया गया है ठीक है। तुम मेरी कार बोरो कर सकते हो, बस तुम मेरी गैस टैंक मतलब जो कार में गैस भरा जाता है उसको फिल कर दो। तो एक जैसे इस तरीके से हमें अपने दोस्त को कहते हैं, अपने भाई को कहते हैं ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर कैन इज द करेक्ट आंसर। आई ब्लैंक यूज योर फोन, माइन इज डेट। ऑप्शन है कैन, मे, माइट, शैल। इन चारों में से कौन सा वाला राइट आंसर है? राइट आंसर इज कैन। कैन इज यूज फॉर आस्क इनफॉर्मल परमिशन। कैन की मदद से भी हम परमिशन किसी को दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल में होता है। यू ब्लैंक ट्राई दिस केक, इट्स डिलीशियस। द आंसर इज ए कैन, बी, मे, सी, माइट और शुड। इन तीनों में से करेक्ट आंसर है शुड। वीक नेसेसिटी को, कमजोर एक नेसेसिटी को दिखलाने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर यू शुड ट्राई दिस केक, तुम्हें ये केक ट्राई करना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ एडवाइस, लेकिन ये एडवाइस ही है, लेकिन कभी कभार हम ऐसे भी कह देते हैं ना कि तुम्हें ये केक ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना ही चाहिए, तो खाना ही चाहिए, ऐसा नहीं है, बस तुम्हें ये केक ट्राई करना चाहिए, हम ऐसे बोल देते हैं ना किसी को। तो ऐसे सेंस में हम शुड का प्रयोग करते हैं जहाँ पर एक वीक नेसेसिटी हो, तुम्हें खाना ही खाना है ऐसा तो नहीं है ठीक है, बस तुम ट्राई कर सकते हो। तो तब हमें ऐसे सेंस में शुड मॉडल वर्ब का यूज़ करना होता है। इट्स डिलीशियस, ये स्वादिष्ट है, तो तुम्हें ये केक ट्राई करना चाहिए ठीक है। हम दोस्तों के साथ ऐसे कहते हैं ना, तो ऐसे सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। इसे हम वीक नेसेसिटी के कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं। तो इस वजह से शुड इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं आई ब्लैंक टेक अ ब्रेक, आई हैव बीन वर्किंग फॉर आवर्स। कैन, मे, माइट, शुड। इन चारों में से कौन सा वाला राइट आंसर है? शुड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी एक वीक नेसेसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ठीक है, एक कमजोर नेसेसिटी में जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि हमें तुम्हें लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, लेकिन इट्स एज अ एडवाइस के रूप में कहूँ, या ऐसे ही हम कह देते हैं ना कि तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, तुम बहुत घंटों से काम कर रहे हो ठीक है। एक नेसेसिटी है लेकिन वीक नेसेसिटी, तुम्हें जरूरत तो है लेकिन उतना भी नहीं जितना होना चाहिए। तो ऐसे सेंस में इसी सेंस को हम क्या कहते हैं? वीक नेसेसिटी कहते हैं। तो इस तरीके के सेंस में भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से शुड इज द करेक्ट आंसर। यू ब्लैंक सी योर डॉक्टर इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल। आपका ऑप्शन है कैन, मे, शुड, माइट। इसका आपका करेक्ट आंसर है शुड। शुड हम एडवाइस देने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस वजह से शुड इज द करेक्ट आंसर। यू शुड सी योर डॉक्टर यू इफ़ यू आर फीलिंग अनवेल। अगर तुम अनवेल फीलिंग कर रहे हो तो तुम्हें डॉक्टर को दिखलाना ही चाहिए ठीक है। इस तरीके से दिखलाना चाहिए, हम एडवाइस कर रहे हैं यहाँ पर, मैं किसी को एडवाइस कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंस में हम शुड का यूज़ करते हैं। सो लास्ट है इट ब्लैंक हैव रेंट लास्ट नाइट द
स्ट्रेट आर वेट, ऑप्शन से कैन मे माइट कुट। ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि इसका कौन सा वाला सही आंसर है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा के रखिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।